इंडिया का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक जर्नी है समझने की कोशिश करते हैं, राइट। इंडिया में क्या हो रहा था? ऑलरेडी एक जवाब दिया मैंने, व्हाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिड नॉट हैपन इन इंडिया, ये जवाब दिया है ना, बताया। हाँ, यहां तक में कोई डाउट है? यू नीड एनी क्लैरिटी? कुछ समझ में नहीं आया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया पहला कदम कहां देखने को मिलता है ड्यूरिंग दिस स्वदेशी एंड बॉयकॉट कैंपेन, पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान वो पहली बार हमें देखने को मिलता है। हम्बल बिगिनिंग ड्यूरिंग, अच्छा उसके पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता, हो गया रहता है, वो भी तुम यहां पर मैं डाल सकता था। ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल 1904-05, इसके कुछ एग्जाम्पल तुम लोग मुझे सिखा सकते हो? कैन यू हेल्प मी आउट इन लर्निंग अबाउट सर्टेन इंडस्ट्रीज और सर्टेन सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट वर लेड आउट ड्यूरिंग द पीरियड? कौन सा सिटी पहले डिसाइड कर ले, मतलब एक बार बॉम्बे डाला, उसके बाद पेट्रो डाला, बंगाल केमिकल्स बोलने के चाह रहा है ये लोग, दैट इज पी सी। हाँ हाँ रुक जाओ, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, यस प्रफुल्ल चंद्र रॉय एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगाल केमिकल्स, आई विल एक्सेप्ट, लेकिन ये इंसेप्शन हुआ था पहले ही 1898-99, ठीक है आई विल एक्सेप्ट। और ये टारगेट किसको करा था पता है? मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, आई विल एक्सेप्ट। और बताओ शुभम, एक्सलेंट ब्रिलियंट, टाटा आयरन एंड स्टील, व्हाट इज योर नेम? वरुण, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्प, हाँ टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन कंपनी, कंपनी होगी, दैट इज 1907, एक्सलेंट। हु वाज द वन एस्टैब्लिश दैट? जमशेद जी टाटा, ब्रिलियंट। और बताओ, होता जमशेद, साउथ है मेरे। फिर और वी ओ चिदंबरम पिल्लई, ही वाज द वन हु एस्टैब्लिश्ड स्टीम, जो स्टीम इंजन कंपनी है, क्या हो गया, जंग लग गया दिमाग में। हाँ वही वही है, स्वदेशी स्टीम इंजन कंपनी। और उसके साथ ए नंबर ऑफ मैच बॉक्स, ए नंबर ऑफ सोप मेकिंग, ए नंबर ऑफ खादी, ऑल दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड, राइट। उसके बाद कब होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेशली यहाँ पर डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज, ये दोनों बातें आता है समझ में? अभी यूएस मनी पंप कर रहा है ईस्टर्न इंडिया में जूट की वजह से। जूट जो है कहां पे खेती होती है? बांग्लादेश रीजन में हुआ करता था, और जितने भी टेक्सटाइल्स है वेस्ट बंगाल में, वैसे ही जितने भी कॉटन के फार्म लैंड है कहां रह गया? पाकिस्तान रह गया, पंजाब का हमारे जो टुकड़ा था सबसे बड़ा वो अभी पाकिस्तान पे चला गया, वैसे ही बंगाल का जो सबसे बड़ा टुकड़ा है वो बांग्लादेश में चला, तो सारे एग्रीकल्चर लैंड चले गए, एंड वी विल बी ट्रिपल्ड सून आफ्टर। और इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? इट इज इन द
गुजरात एंड महाराष्ट्र, दी देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दोनों पहले सेम था राइट। तो जूट और कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी भी वेस्टर्न इंडिया इज वेरी प्रोमिनेंट। जूट इंडस्ट्री कहाँ इस्तेमाल होता था? पैकेजिंग में मान लिया मैंने। दूसरा, वार के दौरान, अच्छा बैग, ठीक है, वेरी गुड। तो बैग के दौरान यस क्या बनाते हैं वो, तलवार वाला? देखो बैग में इस्तेमाल करना है मुझे, हाँ ठीक है, बिल्कुल 100% वेरी गुड। हाँ वार के लिए, वार के लिए बता रहा हूँ। बंकर कैसे बना करता था? जूट बैग में सैंड भरा जाता था, उसके बाद पूरा ट्रेंच वारफेयर में मैसिव रिक्वायरमेंट ऑफ जूट, अगेन पॉलिथिन था नहीं। बंकर देखा है, वो अगर बन जाए उसके बाद कितना AK-47 उतार दो, 12 बोर का कुछ कर दो, वो हिलने वाला नहीं है, समझ में आया? दैट इज बंकर। तो इस मैसिव एक बात आ रहा है समझ में? अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है? आजादी, इंडिपेंडेंस के बाद अटेम्प्ट लिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल सेकंड 5-ईयर प्लान, दो लोग अभी बात कर रहे थे, दैट इज महालानोबिश प्लान, सेकंड प्लानिंग, दैट इज नोन एज महालानोबिश, प्रशांत चंद्र, PC महालानोबिश। महालानोबिश प्लान फोकसिंग ऑन ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, सक्सेसफुल था नहीं। वॉट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन इन इंडिया, इट नेवर हैपेंड। कैसे समझोगे? इंडिया का जो इकोनॉमी है, प्राइमरी सेक्टर से जंप मारा, शाबाश। बीच में कौन फंसा? अब हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से, उसके बाद मेक इन इंडिया चिपकाना, जो मर्जी करना, दैट इज इट, यू हैव द आंसर। अब जो सवाल उठाना है, मीन्स के जितने पूछे गए हैं सब तुम्हें जवाब आना चाहिए, आई सिंसियरली बिलीव इन दैट। निकालो सर, एक मेंस का मिलेगा तुम्हें, वरुण या किसी को भी सवाल उठाओ, देखो क्या है, मुझे बताओ फिर कंफर्टेबल बनना। मिला कोई सवाल? नहीं तो खाना खाने भी भेज सकता हूँ, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जाओ खाना खाने जाओ, वो हम लोग बात करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसके बाद धीरे धीरे, बेसिक टॉपिक है, बैठना है आराम से, कहानी की तरह इट विल बी डन। उसके बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेसी क्या है, फिफ्थ वाला, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट ऑकर इन इंग्लैंड, वो बेसिक क्वेश्चन है, वो तो लिखा हुआ है तुम्हारे पास। डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल देयर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो भी तुम्हें कहानी पता है, लाइफ जहाँ सैनिटेशन क्या है, राइट क्या है, चिल्ड्रन की एक्सप्लॉयटेशन क्या है, वल्नरेबल ग्रुप्स क्या है, कैसे काम करा करते थे, राइट, सिटीज में कैसे आए, गांव छोड़ दिया, सब
राइट, उसके बाद हाउ डज इट कंपेयर विथ दैट इन इंडिया एट प्रेजेंट, कनेक्ट करते रहो, राइट, इंडिया में कैसे हो रहा था, अभी इंडिया में स्थिति क्या है, इंडिया में टू बी वेरी ऑनेस्ट क्या सोच रहा है, अब जो इंडिया का स्थिति है और तब जो ब्रिटेन का स्थिति है, उसमें बहुत समानताएं हैं, देयर इज अ लॉट सिमिलैरिटी विथ व्हाट वाज हैपनिंग बैक देन विथ व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया नाउ, उसको कंपेयर करना है। उसके बाद इंडिया में सिल्वर लाइनिंग है, तो उसके बाद डिस्कशन को पॉजिटिव नोट पे छोड़ने की कोशिश करना। देखो इतने सारे कितने मार्क्स का है क्वेश्चन, टेन का ही क्वेश्चन है, 10 50 तो नॉर्मल सी बात है, तो कुछ भी है, हाँ 10 का है, बताओ इतने सारे डायमेंशंस, तीन तीन लाइन लिखोगे तुम्हारा 150 कब का पूरा हो गया एंड आंसर हो गया। तुम्हारे पास इतना डाटा, 4 घंटा से हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करवा रहे हैं, टेक अ ब्रेक, विल स्टार्ट विद अमेरिकन रेवोल्यूशन। Thank you.